हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम अनदर लेक्चर और इस लेक्चर में हम करेंगे द लास्ट पोम ऑफ योर बुक जिसका नाम है गार्डन स्नेक नाउ एज द नेम सजेस्ट ये पोम किसके बारे में है स्नेक के बारे में कौन सा स्नेक जो हमारे पोएट को एक गार्डन में दिखा नाउ मुरियल एल सोन जिन्होंने ये पोम लिखी है वो हमें ये बता रहे हैं कि हम सबको पता है कि स्नेक्स बहुत डेंजरस होते हैं यू you नो know, ये एक परसेप्शन है जो हम सबके दिमाग में है सांप का नाम सुनते ही हम सबको बहुत डर लग जाता है तो हम सबको ऐसा लगता है कि स्नेक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं बट थ्रू दिस पोम वो हमें ये बता रहे हैं कि सारे के सारे स्नेक्स एक जैसे नहीं होते नॉट ऑल द स्नेक्स आर डेंजरस और कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो बहुत हार्मलेस होते हैं जो आपके सामने होंगे लेकिन आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो ऐसे ही इस स्नेक के बारे में हम इस पोम में पढ़ेंगे बहुत ही छोटी बहुत ही सिंपल सी पोम है जिसमें हमारे पोएट हमें अपना एक एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे हैं जिस जहां ही केम अक्रॉस अ स्नेक इन द गार्डन गार्डन में उन्हें एक स्नेक दिखा और क्या हुआ क्या उस स्नेक ने उन्हें हार्म किया या नहीं दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू रीड ओके सो लेट इज स्टार्ट रीडिंग सो द पोएट सेज है स्नेक फाइटिंग अ मॉन्गूज ऑर गेटिंग इन टू अल ऑफ स्विमिंग इन द रिवर क्या कभी आपने एक स्नैक को मंगूस के साथ लड़ते हुए देखा है नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमस थिंग सांप और नेवले की लड़ाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या फिर कभी आपने किसी स्नैक को अपने होल में बिल में घुसते हुए देखा हो या फिर किसी रिवर में नदी में तैरते हुए देखा हो

ये पोम किसके ऊपर है एक गार्डन स्नेक के ऊपर जो हार्मलेस था हार्मलेस मतलब जिसने हमारे पोएट कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। सो लेट रीडिंग। आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे सम स्नेक्स आर डेंजरस से। बट मदर दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड सो वेन ही विगल्स इन द ग्रास I'll stand aside and watch him pass and tell myself there's no mistake it's just a harmless garden snake so what does the poet say he tells us that i saw a snake and ran away maine ek bar ek saap dekha garden mein, and i ran away wahan se bhaag us ko some snakes are dangerous they say यानी दे मीन्स पीपल इन जनरल जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ सांप बहुत ज्यादा डेंजरस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं बट मदर सेज दिस काइंड इज गुड लेकिन हमारे पोएट की मदर ने उन्हें बताया कि दिस काइंड काइंड वो स्नेक्स विच आर फाउंड इन अ गार्डन सो so, गार्डन में पाए जाने वाले जो सांप हैं उन वो बहुत अच्छे होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड और सांप ये वाले जो सांप हैं ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं अपना पेट भरने के लिए यानी इनका फूड होता है इंसेक्ट्स एंड दे डोंट हार्म एनी ह्यूमन बींग सो वेन ही विगल्स इन द ग्रास विगलिंग क्या होती है आपने देखा होगा एक सांप की जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा विगल करती है विगल का मतलब मूविंग शिवरिंग तो एक सांप की जो बॉडी है वो होती ही इस तरीके से है वो इसी तरीके से चलता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा कर्व शेप में आगे आगे मूव करती है सो द ग्रास जब एक सांप मेरे आगे घास में विगल कर रहा होता है यानी मूव कर रहा होता है अपनी बॉडी को uh, लेकर कहीं जा रहा होता है आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास तो मैं डरता नहीं हूं अब उससे आई विल स्टैंड असाइड मैं वहीं पर ही खड़ा हो जाता हूं और मैं उसे वहां से जाते हुए देखता हूं या मैं उसके वहां से चले जाने का इंतजार करता हूं एंड टेल मायसेल्फ देयर इज नो मिस्टेक इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक ही सेज और मैं अपने आप को क्या बोलता हूं देयर इज नो मिस्टेक यानी मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं सांप के साथ खड़ा होकर क्यों बिकॉज इट इज जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक ये एक गार्डन स्नेक है जो फिर जो कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो किसी को भी हार्म नहीं करेगा सो डियर स्टूडेंट्स क्या बताया हमारे पोएट ने हमें यहाँ पर कि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि सांप बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं लेकिन सारे के सारे सांप डेंजरस नहीं होते ये सेम चीज़ हमारे पोएट की मदर ने उन्हें बताई थी वेन ही वॉज यंग उन्होंने अपने गार्डन में एक सांप को देखा और वो उसे देख कर डर गए उनकी मम्मी ने उन्हें बताया कि ये सांप यानि गार्डन में पाए जाने वाले जो सांप होते हैं ये डेंजरस नहीं होते क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं एज अ फूड सो so, उसके बाद से हमारे जो पोएट हैं वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि जब उनके आगे से कोई स्नेक पास कर रहा होता था विगल करते हुए यानी अपनी बॉडी को मूव करते हुए तो वो वहाँ पर साइड में खड़े हो जाते थे और उसे जाते हुए देखते थे और मन में सोचते थे खुद से बोलते थे कि इस तरीके से वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं एक सांप के सामने खड़े होकर बिकॉज ये जो सांप है ये बहुत harmless, एक बहुत ही हार्मलेस एक बहुत ही इनसेंसा गार्डन स्नेक है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा Now, subscribe to Bright Duty course at rupees 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of math, science, social science, English, and Hindi in an English and Hindi medium. Bright duty follows three step approach that is learning assessment and exam preparation in learning topic wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions in assessment topic wise online mcq test practice assignments and chapter wise question bank are available with the solutions in exam preparation, previous year's question papers, sample papers, and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright day and avail your courses at affordable prices.